नमस्कार किसान भाइयों, आज हम ग्राम भूसरेंगा तहसील गुंडरदेही जिला बालोद में किसान है हमारे ओमकार साहू जी, उसके नर्सरी है धान की, वहाँ पे हम लोग अभी आए हुए हैं और इसमें मल्टीप्लायर खाद से डाला हुआ है। मैं खुद कंपनी प्रतिनिधि जीवनलाल साहू और किसान को डलवाया था, तो आइए इसके रिजल्ट के बारे में खुद किसान भाई से अपन सुनते हैं। एक बार अपन थरहा दिखा देते हैं, नर्सरी एक बार दिखा दीजिए, घुमा दीजिए पूरा, आप देख सकते हैं नर्सरी को। ये लोकल धान है, इसमें जमीन से खाद के साथ में इन्होंने जमीन से दिया हुआ है और एक बार अभी स्प्रे हुआ है, स्प्रे अभी 3 दिन हुआ है। तो आइए किसान भाई से सुनते हैं कि उसको क्या रिजल्ट मिला है। ओमकार साहू जी, हाँ जी 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 सर बताएं नाम। सर मेरा नाम ओमकार साहू है और मैं इधर रह के थे, मैं ग्राम भूसरेंगा का निवासी हूँ और मैं ये मल्टीप्लायर का उपयोग किया हूँ और इसको मैं एक बार रेत के साथ यहाँ डाला हूँ खेत में और एक बार स्प्रे किया हूँ। क्या रिजल्ट? और इसका रिजल्ट इतना जानदार है कि इसमें अच्छा से ग्रोथ इसका हुआ है और इसमें हरापन भी अच्छा आया है और पौधा भी तंदुरुस्त है। और एक चीज़ ये इसमें खासियत एक है कि हम कभी भी जैसे थरहा को उखाड़ते हैं लगाने के समय तो जड़ टूट जाता है, वो स्थिति नहीं है। अभी हम इसको जड़ को एक बार ऐसे उखाड़ कर देंगे, एक भी ऐसे पौधा नहीं टूटता इसमें, पूरा ऐसे ही पूरा जड़ के साथ ये देख पूरा झड़ जाता है और जड़ भी अच्छा है। इस तरह का खासियत इसका और बहुत इसका जानदार रिजल्ट है थरहा का। और इसको डालने में भी मस्त सुविधा है, रेत के साथ हल्का हल्का पहले एक बार डाल दो, उसके बाद स्प्रे के साथ घोर करके डाल दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जड़ भी बहुत जोरदार है, कोई जड़ भी यदि कोई जैसे हम जड़ इसको पौधा को जैसे उखाड़ते हैं ना तो कोई भी पेड़ पौधा टूटता नहीं इसमें से, पूरा जैसे ही उखाड़ते हैं पूरा पौधा जड़ के साथ निकल जाता है ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। और हमारे साथ में सरपंच, उस गांव के भूसरेंगा गांव के सरपंच भी हैं और हमारे किसान भाई भी हैं, बहुत सारे किसान भाई भी हमारे यहां पे हैं।